नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई थी, जब कांग्रेस की कार्यकर्ता रोशनी कौशल जायसवाल ने ना बीजेपी के एक कार्यकर्ता के बीच रोड पर पिटाई करी थी, मारपीट करी थी। उनके पति भी शामिल थे और लोग भी शामिल थे, सब ने मारपीट करी थी। और जिसके बाद अब बड़ी खबर आ रही है कि रोशनी कौशल जायसवाल फरार है, कोर्ट तक का नहीं पहुंची है। बड़ी खबर, वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ता को कैमरे पर पीटने गई कांग्रेस कार्यकर्ता रोशनी जायसवाल अब मदद की गुहार लगा रही है। वाराणसी कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर वह सरेंडर नहीं करेगी तो उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। सोशल मीडिया पर लड़ाई के बाद उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर भाजपा कार्यकर्ता के साथ मारपीट की और वीडियो रिकॉर्ड किया। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता पर यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगाया था। रेप का मामला कोर्ट में साबित नहीं हो सका। फिलहाल रोशनी फरार है, उनके पति अन्य लोगों के साथ जेल में है। तो इस प्रकार की इस समय खबर आ रही है और ये इस समय बहुत बड़ी खबर आ रही है हमारे सामने कि रोशनी कौशल जायसवाल इस समय उनका पता ही नहीं है वे कहां पर हैं। और इस आर्टिकल में आप देख सकते हो कि 15 सितंबर 2024 को वाराणसी के लालपुर पांडेपुर थाना अंतर्गत प्रेमचंद कॉलोनी में एक घटना सामने आई थी। मतलब 15 सितंबर की एक घटना है, जब रोशनी कौशल जायसवाल सरेआम उन्होंने बीच रोड पर उस कार्यकर्ता के साथ मारपीट करी थी और उसका बकायदा वीडियो बनाया था। आप समझ सकते हो जिस कार्यकर्ता की पिटाई हुई उसका वीडियो बनाया गया, उसकी कितनी बदनामी का सामना उस कार्यकर्ता ने करना पड़ा होगा। और जिसके बाद जब ये घटना हमारे सामने आई थी ना, तो कुछ पत्रकारों ने बड़ी चोट में खबरें चलाई कि देखिए कांग्रेस की कार्यकर्ता के साथ ऐसी टिप्पणी करी गई, मतलब कि कांग्रेस की कार्यकर्ता रोशनी कौशल जायसवाल देखिए कितनी बहादुर है, सरेआम उसको पीट के आई, बीच रोड पर पीट के आई, मारपीट करके उसे पीट करके आई उस कार्यकर्ता को जिसने ऐसा करा था। और मामला भी इस प्रकार का बताया जा रहा था कि उन्होंने जो है कुछ फेसबुक पर पोस्ट करी थी, जो रोशनी कौशल जायसवाल ने उन्होंने पोस्ट करी थी और उस पोस्ट पर उन कार्यकर्ता ने एक टिप्पणी करी थी। उस टिप्पणी को लेकर के ये सवाल था कि जो टिप्पणी करी थी ना उस कारण रोशनी कौशल जायसवाल ने मारपीट करी उस कार्यकर्ता के साथ जो कि बीजेपी का था। और अब खबर ये आ रही है कि रोशनी कौशल जायसवाल फरार है। भाई खुद ही समझ सकते हो आप, किसी व्यक्ति का जब बीच रोड पर उसकी पिटाई होगी तो उसे कितना बदनामी का सामना करना पड़ेगा, जबकि वो तो एक कार्यकर्ता था भाजपा का भाई। और अब ये नौबत आती है कि रोशनी कौशल जायसवाल जो है भागी भागी फिर रही है। इस तरह की खबर हमारे सामने आ रही है, सोशल मीडिया पर फैल रही है। भले ही हम इसकी पुष्टि ना करते हों पर लेकिन सोशल मीडिया पर चारों तरफ यही खबर फैल रही है कि रोशनी कौशल जायसवाल का अब कुछ पता ही नहीं है और बताया जा रहा है कि उनके पति जो हैं वो जेल में है। हालांकि जितनी चोट में उस समय रोशनी कौशल जायसवाल ने बोला था, अभी उन्हें उसी चोट में सोशल मीडिया पर सामने आके अपना बयान देना चाहिए। हम ये ही नहीं कहते कि मान लीजिए रोशनी कौशल जायसवाल की ही गलती है, जो भी है उन्हें सोशल मीडिया पर तो आकर बताना चाहिए। वैसे थोड़ी चलेगा कि आप उस समय तो आपने ऐसा काम कर दिया और अब आप भागे भागे फिर रहे हो, ऐसा थोड़ी चलता है भाई। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह की ये हरकत हुई और अब जो कोर्ट का आदेश है, आदेश के बाद भी नहीं कोर्ट में पहुंचा जा रहा, तो कोर्ट ने भी साफ आदेश दिया कि अब संपत्ति जब्त कर ली जा सकती है। रोशनी कौशल जायसवाल के इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उनको भी सोशल मीडिया पर आकर माफ़ी मांगनी चाहिए या अगर उनकी गलती नहीं है तो उन्हें बयान देना चाहिए, कुछ तो बताना चाहिए, ऐसे चुप रह करके तो काम नहीं चलने वाला। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।